23 जून 2018 थाईलैंड की फुटबॉल टीम वाइल्ड बोर्स के 12 खिलाड़ी और एक कोच प्रैक्टिस मैच के बाद अपने एक साथी का जन्मदिन मनाने की सोचते हैं और इसके लिए जगह चुनी गई थाईलैंड के माई साई जिले के गांव चियांग राय में बनी गुफा थाम लुआंग। गांव के खेतों में लहलाती फसलों के बीच से होते हुए सभी बच्चे थाम लुआंग गुफा के सामने पहुंच चुके थे, लेकिन कुछ एडवेंचरस करने का जुनून और प्रकृति का प्रेम इन बच्चों को गुफा के कई किलोमीटर अंदर तक खींच लाया। कुछ नया एक्सप्लोर करने की जिद और जश्न में डूबे बच्चों को पता ही नहीं चला कि कब वो गुफा के लगभग 6 किलोमीटर अंदर तक आ गई। जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते जा रहे थे, वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा था। इधर अब बाहर मौसम भी करवटे बदलने लगा था। देखते ही देखते बाहर भारी वर्षा शुरू हो गई, जिसकी जरा सी भी भनक गुफा के अंदर मौजूद इन बच्चों को नहीं थी। घनघोर अंधेरा और काफी समय बीत जाने के चलते अब सभी ने वापस गुफा से बाहर निकलने की सोची, लेकिन जैसे ही वे कुछ दूर वापस चले तो उन्होंने कुछ ऐसा दिल दहलाने वाला वाकया देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। दरअसल गुफा के रास्ते से पानी का एक तेज बहाव अंदर की तरफ आ रहा था, जो कि लगातार बाहर हो रही वर्षा के कारण अब विकराल रूप धारण करने वाला था। पानी के इस विकराल रूप को देखते ही सभी बच्चे डर के मारे रोने लगे। ऐसे में उनके कोच ने हिम्मत दिखाई और उन सभी बच्चों को समझा बुझा कर शांत किया कि वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेंगे। पर अब समस्या ये थी कि गुफा के अंदर तेजी से बढ़ रहे बारिश के पानी से खुद को कैसे बचाया जाए। इसके लिए उन्हें जरूरत थी किसी ऊंचे और सुरक्षित स्थान की जहाँ बारिश का पानी ना पहुँच सके। तभी अचानक उन्हें वहाँ एक बड़ी और ऊंची चट्टान दिखी, जिस पर बैठकर एटलीस्ट वो खुद को पानी के इस विकराल रूप से कुछ हद तक तो बचाए रख सकते थे। अब ये सब उस चट्टान पर बैठकर गुफा में पानी के कम होने का इंतजार करने लगे ताकि वो जल्द ही यहाँ से बाहर निकल सके। लेकिन पानी का स्तर घटने की बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा था। देखते ही देखते इंतजार के घंटे दिनों में बदलने लगे। उधर बच्चों के घर ना पहुंचने पर घबराए माता पिता ने भी अपने बच्चों को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन काफी खोजने के बाद भी किसी का कुछ पता नहीं चल सका। लेकिन तभी इन बच्चों के एक साथी ने उन सभी के थाम लुआंग गुफा में जाने के प्लान के बारे में बताया, जो लकीली उस दिन उन बच्चों के साथ नहीं था। बेबस और घबराए हुए माता पिता तुरंत उस गुफा के सामने पहुंचे और गुफा के बाहर खड़ी साइकिल्स को देखकर समझ गए कि हो ना हो बच्चे इसी गुफा के अंदर फंस चुके हैं। लेकिन पानी के तेज बहाव को देखते हुए सभी को डर था कि कहीं बच्चों के साथ कोई अनहोनी ना हो चुकी हो। बिना समय गवाए प्रशासन को इस बात की खबर दी गई। उधर काफी समय बीत जाने के बाद अब बच्चे भी भूख के मारे बिलखने लगे थे और ना ही उन्हें वहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर आ रहा था। ऐसे में इन बच्चों के कोच ने एक बार फिर से हिम्मत बंधाते हुए कहा कि खाने के बिना तो इंसान कई दिनों तक जिंदा रह सकता है, लेकिन पानी के बिना नहीं। और कहीं ना कहीं वो भाग्यशाली भी हैं क्योंकि पानी उनके पास पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। इस तरह वो लगातार इन बच्चों का हौसला बढ़ाते रहे और इन बच्चों को मेडिटेट कराते रहे ताकि ऑक्सीजन की कमी और खाने के अभाव में भी इन बच्चों का इम्यून सिस्टम बेहतर बना रहे। देखते ही देखते घंटे दिनों में और दिन हफ्ते में बीत गया, लेकिन वहां से बाहर निकलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इधर अब पूरी दुनिया में ये खबर फैल चुकी थी। ऐसे में बच्चों की मदद के लिए अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना और इजराइल जैसे देशों के डाइवर्स और एक्सपर्ट की टीम थाईलैंड पहुंचने लगी। उधर प्रशासन भी अब तक लाखों लीटर पानी मशीनों के जरिए गुफा से बाहर निकाल चुका था ताकि अंदर जाने का कोई रास्ता बनाया जा सके। लेकिन अफसोस, इसका कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि पानी का बहाव काफी तेज था और जमीन भी काफी दलदली हो चुकी थी, जिसके कारण डाइवर्स आगे बढ़ ही नहीं पा रहे थे। लेकिन फिर भी वे लगातार आगे जाने के प्रयासों में लगे रहे। वहीं दूसरी ओर पानी के बहाव को कम करने के लिए भूवैज्ञानिकों की मदद ली गई, जिसमें सबसे पहले ये निरीक्षण किया गया कि पानी के गुफा में जाने के रास्ते कौन कौन से हैं। पानी के गुफा में जाने वाले सभी रास्तों की खोज की गई और तुरंत उन सभी जगहों पर छोटे छोटे बांध बनाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो गुफा में पानी का स्तर लगातार बढ़ता रहता, जो कि अंदर फंसे हुए बच्चों के साथ साथ उन्हें ढूंढने वाले डाइवर्स की जान के लिए भी बड़ा खतरा साबित हो सकता था। सो प्लान पर अमल किया गया और बांधों के निर्माण के बाद अब गुफा में पानी का स्तर कुछ कम होने लगा था। इधर डाइवर्स भी तमाम दिक्कतों और परेशानियों के बावजूद पानी को चीरते हुए लगातार आगे बढ़ रहे थे। तभी एक ब्रिटिश डाइवर को वहां अचानक ही किसी इंसानी गंध का आभास हुआ। अब डाइवर्स में भी एक उम्मीद की किरण जगी कि हो ना हो बच्चे यहीं कहीं आसपास हैं। जिसके बाद मात्र कुछ ही देर की खोजबीन के बाद सभी 13 लोगों को डाइवर्स की टीम ने लगभग 9 दिन बाद एक ऊंची चट्टान पर मेडिटेट करते हुए गुफा के एंट्रेंस से लगभग 4 किलोमीटर अंदर खोज लिया था। डाइवर्स को अपने पास मदद के रूप में पाकर बच्चों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब सबसे पहले बच्चों को खाने पीने का सामान दिया गया, क्योंकि लगभग 9 दिनों से भूखे बच्चे काफी कमजोर हो चुके थे।
क्योंकि अब 13 लोगों के साथ कई डाइवर्स भी गुफा के अंदर मौजूद थे, तो ऐसे में वहां ऑक्सीजन का लेवल और भी तेजी से घटने लगा। इसकी पूर्ति के लिए तुरंत ही गुफा के बाहर से एक पाइप के द्वारा 200 ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन अंदर पहुंचाई गई, ताकि सभी को पर्याप्त ऑक्सीजन मिल पाए। और बच्चों के पास इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स की एक टीम भी भेज दी गई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि बच्चों को बाहर कैसे निकाला जाए। सो इसके लिए 3 ऑप्शन पर विचार किया गया। पहला, या तो बच्चों को स्कूबा गियर की मदद से स्विमिंग सिखाई जाए, जो कि पॉसिबल नहीं था क्योंकि बच्चों में इतनी एनर्जी बची ही नहीं थी कि वो 4 किलोमीटर तक स्विमिंग कर पाए। ऐसे में ये उपाय खारिज कर दिया गया। दूसरा विकल्प ये था कि बच्चों को डाइवर्स की मदद से खींच कर बाहर निकाला जाए, लेकिन किसी अकेले डाइवर द्वारा 4 किलोमीटर तक यूं बच्चों को बाहर निकाले जाना काफी मुश्किल भरा होने वाला था। और तीसरा ये कि बच्चों को सभी मूलभूत जरूरतों की वस्तुओं के साथ वहीं छोड़ दिया जाए और मानसून के अंत होने पर वहां से बाहर निकाला जाए, क्योंकि तब तक गुफा में पानी का स्तर भी बेहद कम हो चुका होगा। लेकिन ये विकल्प भी काम का साबित नहीं हुआ, क्योंकि इतने लंबे समय तक बच्चों को गुफा में छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। ऐसे में बच्चों को बाहर निकालने के लिए किसी अन्य तरीके को खोजना शुरू किया गया। वहीं दूसरी ओर इजराइल मैक्सटेक और सील नेवी द्वारा फाइबर ऑप्टिकल केबल को गुफा में इंस्टॉल किया गया, ताकि इंटरनेट कनेक्शन के जरिए बच्चे अपने फैमिलीज से कम्युनिकेट कर सकें। ये सब करने के बाद अंत में निर्णय लिया गया कि बच्चों को बेहोश करके बाहर लाया जाएगा, क्योंकि बच्चे तैरने में समर्थ नहीं थे। ऐसे में एक बच्चे को बाहर लाने की जिम्मेदारी 2 डाइवर्स को दी गई। इस प्लान के अनुसार ये तय किया गया कि बच्चों को एक फ्लोटिंग किट में लपेटा जाएगा और किट का आगे वाला हिस्सा पहले गोताखोर के पास रहेगा, वहीं पीछे वाला हिस्सा दूसरे गोताखोर के पास। अनुमति मिलने के बाद पहले चरण में 4 बच्चों को एनेस्थीसिया दिया गया और ऑक्सीजन मास्क पहनाकर फ्लोटिंग किट में लपेटा गया। डाइवर्स के हाथों में अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, क्योंकि फ्लोटिंग किट में लपेटा गया बच्चा और 4 किलोमीटर स्विमिंग, अब ऐसे में जरा सी चूक भी एक बड़े हादसे को जन्म दे सकती थी। लेकिन गोताखोरों ने बड़ी सूझबूझ के साथ 8 जुलाई 2018 को शाम 7:55 पर सभी 4 बच्चों को सकुशल गुफा से बाहर निकाल दिया। अगले दिन भी इसी प्रकार से 4 और बच्चों को गुफा से बाहर निकाला गया। 10 जुलाई 2018 ये वो दिन था जब 6:38 पर बचे हुए सभी बच्चों और उनके कोच को सकुशल बाहर निकाल कर इतिहास रच दिया गया। लगभग 18 दिन तक गुफा में फंसे रहने के बाद बच्चों को जिंदा बाहर निकालना किसी चमत्कार से कम नहीं था। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक बहादुर एक्स नेवी डाइवर समन कुनन बच्चों को बचाते बचाते अपनी जिंदगी की जंग हार गए। गुफा से बाहर निकालते ही बच्चों को तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उन्हें कई दिनों तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया, ताकि अगर इनमें किसी भी प्रकार का रोग या इतने दिनों तक भूखे रहने के बाद बॉडी में किसी भी प्रकार की कमी आई हो तो उसका इलाज किया जा सके। लगभग 10 दिनों तक हॉस्पिटल में रहने के बाद इन सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन में अपनी जान गंवाने वाले समन कुनन को ट्रिब्यूट करने के लिए उनका ब्रोंज स्टैचू इस केव के बाहर लगाया गया, जिन्होंने अपनी जिंदगी की आहुति देकर 13 लोगों को नई जिंदगियां दी थी। तो सलाम है इन बच्चों के जज्बे और उन सभी डाइवर्स की हिम्मत को, जिन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और मौत को भी अपना रास्ता बदलने पर मजबूर कर दिया।